श्री सतगुरु महाराज की जय। पुरो श्री पन्ना धाम की जय। पुरो श्री सुंदर सात की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनी न छुड़ायो खिन, लाख तली लाल एड़िया मेरे जीव के यही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून, पल मेरे जीव के यही जीवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। आप सब सुंदर साथ के चरणों में जागनी ब्रह्मांड के इस मूल मिलावे में बैठे गुम्मट जी की तरहटी में विराजमान श्री प्राणनाथ जी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। तो आइए सुंदर साथ जी, अब हम आज की क्लास शुरू करते हैं। हाँ जी, तो हम चल रहे हैं रंग महल। रंग महल से भी बिल्कुल सेंटर में पांचवी भूम, और पांचवी भूम के भी बिल्कुल सेंटर में रंग प्रवाली मंदिर, नौ चौक और उनके मध्य में रंग श्री रंग प्रवाली मंदिर की शोभा। तो हमने अभी तक बाहर के सारे दरवाजे भी समझ लिए। आज मैं आपको एक चीज और दिखाना चाहूंगी, बहुत ही प्यारी, जो हमें गिनतियां बहुत मुश्किल से समझ में आती हैं, धीरे धीरे सब सुंदर साथ के अंदर प्रवेश की, केवल शोभा समझने के लिए उनको लीजिए, और उसके बाद गिनतियों को छोड़कर केवल शोभा में डूबने का हम सब प्रयास करेंगे। तो ये देखिए सुंदर साथ जी, चौपड़े त्रिपुड़े हम सब ये सुंदर साथ कर चुके हैं, बहुत बार इनकी दोहराई भी हो चुकी है। तो हमने क्या क्या समझा अभी तक? हमने सब प्रकार के चौक समझ लिए, आठ हवेलियों की आठ हारे समझ ली एक चौक में, और उनके सब चौक नौ चौकों की नौ हारे, यानी कि 81 81 चौक, जिसमें चार दोपुड़े, 28 त्रिपुड़े और 49 यानी 49 चौपुड़े भी हमने समझ लिए। हमने और क्या समझा? आइए देखते हैं इसमें हमने और क्या क्या समझ लिया अभी तक। हमने जुड़ाफे के मंदिरों की शोभा भी देख ली, जुड़ाफे के मंदिर समझ लिए, और ये जो यहाँ 23 मेहराबे को पार करके, मुख्य दरवाजे से 23 मेहराबों को पार करके हम हवेली के अंदर प्रवेश करते हैं, वो भी हमने समझ लिया। एक शोभा जो रह गई थी थोड़ी सी, वो मैं आपको बताती हूँ। ये जो मुख्य दरवाजे हैं ना, आठ मुख्य दरवाजे एक चौक के, उनकी शोभा बिल्कुल धाम दरवाजे जैसी आई हुई है सुंदर साहब जी। 88 हाथ का बहुत बड़ा दरवाजा, उसके ऊपर केवल मतलब 28 88 बताने का केवल ये मतलब है कि धाम दरवाजे जितना लंबा चौड़ा, दर्पण रंग के दरवाजे ये भी बिल्कुल धाम दरवाजे की शोभा लिए हुए, रंग प्रवाली के मंदिर के द्वारों की शोभा कितनी विशेष राजी महाराज ने बनाई, वही बेनी वैसी ही बहुत ही सुंदर ये दरवाजे दोनों, अंदर जाने के लिए एक अंदर का एक बाहर का, भीतर जाने के लिए, और ऊपर 12 हाथ की चित्रकारी। और तो और जब हम यहाँ इस दरवाजे से हवेली में प्रवेश करते हैं ना, तो इस हवेली के चारों मुख्य दरवाजे भी धाम दरवाजे जैसी शोभा लिए हुए, 88 मंदिर के लंबे, 88 मंदिर के लंबे चौड़े, और ऊपर ऊपर 12 मंदिर की मेहराब, पूरा एक मंदिर 100 हाथ का पूरा हो गया, 100 हाथ का। तो ये भी दर्पण रंग की वैसी ही
प्यारी शोभा लिए हुए ये चार मुख्य दरवाजे भी हवेली के, अति सुंदर ये दरवाजे। तो अब तक हमने ये सारी शोभा हमने समझ ली धीरे धीरे करके, बाहर के मंदिरों की हार जो कि 210 मंदिर थे, दो गुर्ज के मंदिर हटा दो तो 208, और आठ दरवाजों के मंदिर हटा दो तो 200 मंदिर हमारे पास यहाँ पर, 200 मंदिर सखियों के लिए शयन कक्ष का रूप जो ले सकते हैं वो हमारे पास बचे। ये जुड़ाफे के एक एक सेट में कितने कितने मंदिर आए थे सुंदर साहब जी, आठ इधर आठ इधर, तो 16 मंदिर का ये एक सेट हमारा बन गया था। ये हवेली कैसी आई थी, हवेली के बाहरी तरफ एक मंदिरों की हार जो कि 15-15 का हमने खांचा बनाया था, तो 15 × 4 ये हो गए हमारे 60 मंदिर, और चार की जगह दरवाजों ने ले ली तो टोटल 64 मंदिर पर चार दरवाजे होने से 60। और ये देखिए ये बीच की जो ये है, बीच की मंदिरों की हार, उसमें कितने थे, 44 आते हैं गुर्जों को छोड़कर, कोनों को छोड़कर 44 आएंगे, और ये एक ही दरवाजा आने से 43 यानी 43 मंदिर की जगह इसके अंदर हमें मिली। उसके अंदर कमर भर ऊंचा चबूतरा, चबूतरे तो इतने शोभायमान हैं पूरे परम धाम में, हमेशा गिलम चंद्रवा थम लगे हुए, और सिंहासन कुर्सियां कितने अनंत प्रकार की लीलाएं वहां होती हैं। आज हम समझेंगे मंदिर कैसे आफ्टर ऑल एक चौक में 12,000 की गिनती किस प्रकार बन जाती है, और फिर लास्ट हमारा जो टारगेट रहेगा हम उसकी तरफ बढ़ चलेंगे, रंग पर वाली मंदिर है हमारा लक्ष्य, फिर हम वहां तक पहुंचेंगे। पहले हम एक मंदिर के वो समझेंगे कि किस प्रकार आए हुए हैं एक चौक के 12,000 मंदिर। तो यहाँ मुझे नाम लेने से हमेशा मना करते हैं, पर मैं एक बात सुंदर साथ को जरूर बताना चाहूंगी। आज सुबह अराउंड 2 आवर्स में मैंने अपनी ये मुझे लगा कि सुंदर साथ को ये गिनती, मुझे एज पर्सनली मुझे ये गिनती समझने में बहुत समय लग गया। हमारे प्रबुद्ध सुंदर साथ को बहुत जल्दी समझ में आ जाती है, पर मेरे जैसी बिगिनर सुंदर साथ को जल्दी समझ में नहीं आती। तो आशीष जी ने ये एक पूरा PDF आज सुबह तैयार किया जिससे कि ये गिनती भी हम सब सुंदर साथ को समझ में आ जाए। तो एक प्रश्न आया है, गुर्ज चारों तरफ है क्या, हवेली के चारों दिशाओं में, हाँ जी वो जो मंदिर है ना चारों तरफ उनके गुर्ज आए, और वो इन पिक्चर्स में भी आपको दिखेंगे। तो बैक टू बेसिक्स हमने क्या क्या किया था सुंदर साहब जी, ये थे 9 चौक, 9 चौक में से आप ये बीच वाला ये चौक उठाइए और उसको जूम कर दीजिए तो एक चौक हमारा इस प्रकार का दिखता है। तो फटाफट से हम क्विक करेंगे, ये देखिए इसमें 2 पुड़े 4 दिखाई देते हुए चारों कोनों में, यानी अन्वी अग्नि नैऋत्य वायव्य और ईशान कोण में एक एक 2 पुड़ा, क्योंकि वहां से 2 रास्ते निकलते हैं, और ये चारों दिशाओं में 3-3 रास्ते जाते हुए यानी तिराहे यानी त्रिपुड़े, तो कितने हुए 7, 7, 7 और 7, 28 हमारे पास हो गए त्रिपुड़े, और फिर चौपुड़े हमारे पास 49, और कितनी यहाँ हवेलियां हैं ये पिंक कलर की, ये 8 हवेली, 8 ही दरवाजे थे मुख्य, तो 8 हवेलियों की 8 हारे यानी 64 हवेलियां। अब हम बढ़ रहे हैं मेथड नंबर 1 यानी विधि 1 की तरफ, जो महाराज जी ने, जवाहरदास महाराज जी ने अपनी वृत्त में बहुत ही सुंदरता से उसको एक्सप्लेन किया है। तो हम विधि नंबर 1 जिससे जिसकी तरफ हम बढ़ रहे हैं, 12,000 मंदिर आफ्टर ऑल कैसे बनते हैं। तो 64 हवेलियों में से हमने एक हवेली को जूम कर दिया, एक हवेली की तरफ हम देखेंगे कि उसमें कितने मंदिर आए हैं। तो इस विधि में दोनों हारों के यानी बाहरी हार के मंदिर और अंदर की हार के मंदिर एक ही हवेली में काउंट किए गए हैं। तो इसमें कितने मंदिर आएंगे आइए हम देखते हैं। वैसे हम सब सुंदर साथ को पता है, लेट्स स्टार्ट द काउंटिंग फ्रॉम 1 to 12,000। आफ्टर ऑल कैसे बनेंगे, एक हवेली में 60 + 43 मंदिर आए। कैसे 60 + 43 आए इसको हम समझते हैं, ये देखिए। तो इस हवेली में बाहरी हार में हमने क्या किया था, ये देखिए, यहाँ 60 मंदिर घूमकर, पहली ये था हमारा मुख्य दरवाजा जहां हम 23 मेहराबे इंक्लूडिंग दिस हमने पार की थी। तो ये बाहरी हार मंदिर में
60 मंदिर हमें प्राप्त होते हैं। एक हवेली 17 मंदिर की लंबी चौड़ी होती है सुंदर साहब जी, और ये मुख्य दरवाजा यदि आप छोड़ दें तो हमें 8 मंदिर इधर मिलते हैं, 8 मंदिर इधर, तो ये 17 मंदिर की लंबी हो जाती है। एक छोड़ दीजिए दरवाजे का तो हमें 16 मंदिर एक दिशा में हमें दिखाई देते हैं, पर ये कोने का मंदिर है ना, ये दोनों तरफ काउंट हो जाता है, राइट। तो हम कोने को इस टाइम छोड़ देते हैं एक बार काउंट करने के लिए, ताकि अच्छे से क्लियर हो हमें। तो ये देखिए, हम ये कोने का मंदिर हम अभी छोड़ देते हैं, तो हमें कितने कितने मंदिर यहाँ पर मिल जाएंगे, ये 7 मंदिर, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, तो 7 और 7, 14, 14 और 14, 28 और 42 और 56 मंदिर हमें मिल गए। अब ये ऐड कर दीजिए कोने के 4 मंदिर, तो 60 मंदिर हो गए। या फिर आप इस तरह से याद कीजिए, या फिर याद करने की तो जरूरत ही नहीं है, एनीवेज हम लोगों ने केवल समझना है। तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं इसको, कि इधर यदि आपने 8 मंदिर काउंट कर लिए ना, कोने का मंदिर कर लिया, तो इधर 7 कर लीजिए, खांचे बना लेंगे ना, तो उससे हमें दूसरी विधि समझने में भी इजी होगा। तो इस खांचे में हमारे पास आए, हाँ जी, इस खांचे में हमें मिले 15 मंदिर, इस खांचे में भी 15 मंदिर, और इस खांचे में भी 15 मंदिर, और इधर भी, खांचे का मतलब इस दरवाजे से लेकर इस दरवाजे तक, ये बाहरी मंदिरों की हार। हमें कितने मंदिर यहाँ पर सुंदर साहब जी प्राप्त हुए, हमें 60 मंदिर यहाँ पर मिल चुके हैं अब तक, इस दरवाजे से लेकर इस दरवाजे तक, ये 15, 15, 30, 45 और 60 मंदिर हुए बाहरी मंदिरों की हार में। अब चलते हैं हम अंदर वाले मंदिरों में। ये देखिए, ये जो अंदर वाले मंदिर है ना सुंदर साहब जी, यहाँ पर ये बाहरी हुए हमारे पास, ये 15 एक खांचे में, तो 60 मिल गए। अब अंदर देखिए, ये है एक्चुअली हमारे पास है 13, ये 13 मंदिर की लंबी चौड़ी हमें ये अंदर जो है ना हार यहाँ पे मिलती है, 13 13 मंदिर है। पर ये गुर्ज को ये चारों दिशाओं में, सुंदर साहब जी अभी किसी ने, सुंदर साहब ने चैट में प्रश्न पूछा था, ये देखिए चारों दिशाओं में यहाँ ये नीले रंग के ये गुर्ज दिखाई दे रहे हैं अंदर की हार में। इनको मंदिरों में काउंट नहीं किया गया है जवाहरदास महाराज जी की वृत्ति के अनुसार, पर लालदास महाराज जी की वृत्ति के अनुसार किया गया है, तो उसमें 12,000 से कुछ ज्यादा मंदिर मिल जाते हैं, तो हम अभी 12,000 बना रहे हैं। ये गुर्जों की विशेषता क्या थी, इनमें यदि आपको बाहर से जाना है ना यहाँ से, तो 3-3 सीढ़ियां चढ़ के दोनों तरफ से जाना पड़ेगा, क्योंकि गुर्जों की जमीन जो है वो कमर भर ऊंची आई हुई है। तो इनको काउंट ना करें, इसको भी छोड़ दें, इसको भी छोड़ दें। अंदर कितने बचे हमारे पास, 11 मंदिर, 11 22 33, होने तो 44 चाहिए, पर एक दिशा में बड़ा दरवाजा, एक ही दिशा में बड़ा दरवाजा। हालांकि छोटे दरवाजे हमें हर मंदिर में जाने के लिए मिल जाते हैं, तो अंदर जाने की, चबूतरे पर जाने की कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम कहीं से भी अंदर चबूतरे पर जा पाएंगे। तो ये 44 की बजाय हमारे पास हुए 43, तो 60 मंदिर बाहर के, ये देखिए 60 मंदिर बाहर के, 43 मंदिर अंदर के। 60 कैसे बने, 15 15 15 15, 43 कैसे बने, 11 11 11 और 10, एक दरवाजा आने से। तो ये कितने हो गए टोटल, 60 और 43 आप गिनिए तो 103 मंदिर एक हवेली में हमें अब तक मिल चुके हैं। अब ऐसी कितनी हवेलियां हैं सुंदर साहब जी, आपको याद है ना, 8 की 8 हारे। ये देखिए, ये हैं पिंक कलर की हवेलियां, एक हवेली में हमें 103 मंदिर अब तक मिल चुके हैं। अब 103 को जब आप 64 से गुणा करेंगे, 64 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपके पास इतने मंदिर, यदि आप नोट करना चाहें तो कर सकते हैं, ताकि 12,000 होने की एक जो संतुष्टि सब सुंदर साथ के अंदर आती है वो मिल जाए। और उसके बाद ये गिनती मुझे भी याद नहीं है, इसलिए हमने लिख कर रखी है 6,000। देखिए 6,500 मंदिर हमें खाली हवेलियों में मिल चुके हैं, अभी हमें साइड वाले हवेलियों के मंदिर हमने काउंट कर लिए 6,592। तो हमने क्या काउंट किया अभी तक, ये हवेलियों के सिर्फ। और अभी हमारे पास बच्चे कौन से हैं सुंदर साहब जी, ये जो घेर के मंदिरों की एक हार आई थी, याद है आपको, वो मंदिर भी काउंट करने हैं आप हमने। आइए,
ये एक अब जुड़ाफे के मंदिर पहले देखते हैं, एक जुड़ाफा किस प्रकार का दिखता है ये देखिए। हम बिल्कुल साइड वाला जुड़ाफा ले रहे हैं, ये होता है, ये होते हैं ना जुड़ाफे के मंदिर होते हैं ये वाले। एक जुड़ाफा के सेट में कितने मंदिर होते हैं, ये वाला जो सेट है इसमें है 16 मंदिर। अभी हम लेंगे टोटल पूरा, मतलब एक चौक से लेकर दूसरे चौक तक, जो दिशा में है ना, एक चौक से दूसरे चौक तक ये 16 मंदिर और ये भी 16 मंदिर टोटल। तो ये बहुत लंबा है, ये देखिए ये बहुत लंबा जुड़ाफा है। पर ये दरवाजे में हम रह तो नहीं सकते ना, यहाँ कमरा नहीं बना सकते रहने के लिए, पलंग नहीं लगा सकते, तो इनको बीच में छोड़ दिया जाता है द्वार के लिए। तो इधर आपको मिले 8 और 8 16 मंदिर, और ये भी 8 और 8। एक जुड़ाफे का सेट इधर चौपड़े की तरफ दिखाई दे रहा है, एक जुड़ाफे का सेट त्रिपुड़े का दिखाई दे रहा है। तो ये हमारे पास हो गए एक जुड़ाफे में टोटल, मतलब इसका मेगा सेट जो पूरा हो गया वो हमारा हो गया 32 मंदिर का सेट। तो एक जुड़ाफा में 32 मंदिर। अब जुड़ाफे आए कितने हैं, किससे गुणा की जाए, अब ये देखिए जरा। ये था जो हमने जुड़ाफा अभी देखा था, ये था चौपड़े दोपुड़े और त्रिपुड़े के बीच का जुड़ाफा था ये। यानी आपने यदि नोटिस की हो ना एक बात, हर हवेली के पहले ये एक बड़ा जुड़ाफा आ जाता है, यदि आप नोटिस करो तो। ये देखिए ये हवेली शुरू हो रही है, एक जुड़ाफा पूरा आता है उसके पहले, ये बड़ा वाला सेट, 32 वाला सेट। तो हमारे पास कितने जुड़ाफे आए आफ्टर ऑल, यस लेट्स चेक। तो इस हवेली के पहले, ये पिंक आपको दिखाई दे रही, मैं थोड़ा सा बड़ा करती हूँ आपको जुड़ाफे गिनने में आसानी हो। तो यदि मैं ये देखूं, एक जुड़ाफे का सेट यहाँ आएगा पहले, सबसे पहले इस हवेली से पहले यहाँ 1 2, जितनी हवेलियां उतने जुड़ाफा के सेट मिलेंगे, मेगा सेट 32 वाला बड़ा सेट। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 जुड़ाफे आपको पहली पहली लाइन में मिले, ठीक है। अब एक रो में आपको मिले 8 जुड़ाफे, तो हमें कितने जुड़ाफे टोटल मिल गए वो मैं आपको लिखकर बताती हूँ। हमें यहाँ इस लाइन में मिल गए 8 जुड़ाफे, ठीक है। उसके बाद अब हम दूसरी लाइन में चलते हैं, ये देखिए अब इस हवेली के पहले भी एक जुड़ाफे का सेट आएगा यहाँ पे त्रिपुड़े और चौपड़े के बीच में। 1 2 3 4 5 6 7 8 हमें यहाँ मिल जाएंगे। तो हर जगह कितने कितने 8 हमें प्राप्त हुए यहाँ। तो इन हवेलियों के एक्चुअली यहाँ पर ना जुड़ाफे के मंदिर ही बने हुए हैं यहाँ पर। ये जुड़ाफे ये केवल रास्ते दिखाने के लिए दिखाया हुआ है, पर है ये जुड़ाफे के मंदिर ही बने हैं और यहाँ हवेली में जाने के लिए रास्ता है, ठीक है। तो यहाँ भी हमें 8 प्राप्त हो गए, हर हवेली के पहले 8 लगाते जाइए। इन हवेलियों ने शुरू होना है तो भी 8, इन हवेलियों ने शुरू होना है तो भी 8। मैं आपको ये दिखाना चाह रही हूँ कि कितने 8 की कितनी हारें हमें प्राप्त हुई, क्योंकि ये समझने में मुझे भी थोड़े मिनट्स लगे। तो मुझे लगा जो तकलीफें मुझे आई वो सुंदर साथ को नहीं आनी चाहिए। ये देखिए ये भी 8, अब ये 8 की 8 हारें तो हमें प्राप्त भी हो गई। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये 9 कैसे हो गए, क्योंकि लास्ट में भी एक जुड़ाफा आएगा ना। अब आपको समझ आई, क्योंकि एक शुरू में आ गया और एक अंत में भी जुड़ाफे का सेट आएगा और बीच में 7 आ जाएंगे। तो ये 9 यहाँ 8 लिखना था, ये 9वां सेट है हमें जुड़ाफे। तो कितने 8 हमें प्राप्त हुए यहाँ, 8 की 9 हारे। मुझे 8 की 8 हारों के बाहर ये बुद्धि जा ही नहीं रही थी। तो ये देखिए सबसे पहले आने से और सबसे लास्ट में भी आने से, तो हर हवेली की शुरुआत में तो जुड़ाफा आया ही है, पर लास्ट हवेली को शुरुआत में भी मिला और एंड में भी मिल गया। तो इसलिए 8 के 9 हारे, यानी कितने जुड़ाफे हो गए, ये हम नेक्स्ट पिक्चर में देखते हैं। आई होप कि सुंदर साथ को ये समझ जरूर आया होगा। यदि ना आया होगा तो हम बाद में डाउट्स या फिर क्वेश्चन आंसर्स के थ्रू भी करेंगे। तो ये हमने क्या समझा, 8 को 9 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितने जुड़ाफे हो गए, 72, ठीक है। 72 सेट्स ऑफ जुड़ाफा,
8 टाइम्स 9 72 यानी 72 मेगा सेट्स, बड़े सेट्स ऑफ जुड़ापा। मेगा सेट मैंने क्यों लिखा, क्योंकि ये 16 मंदिर वाला नहीं, ये 32 मंदिर वाला बड़ा जुड़ापा है, ठीक है। अब यही चीज आप इधर से भी काउंट करें, क्योंकि जुड़ाफे केवल ऐसे थोड़ी आए हैं हॉरिजॉन्टल, वो तो वर्टिकल ऐसे भी तो आए हैं ना। मैं आपको पिक्चर से दिखाती हूँ एक बार कि जुड़ाफे तो दोनों साइडों में आए हैं। ये देखिए, इसको ध्यान से देखिए, हमने तो ये वाले काउंट किए जो सीधे जा रहे हैं अभी, ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला, पर सेम चीज ये खड़ी हुई भी आई है, आड़े तो आए ही हैं, खड़े जुड़ाफे भी आए हैं साइडों में, तो सेम वहां भी रेपिटिशन होगी। सुंदर साहब जी जो पहली बार सीख रहे हैं, हमने बहुत सालों में ये चीज सीखी, आप घबराइएगा मत। यदि नहीं समझ आती तो आप ये काउंटिंग छोड़ भी सकते हैं। तो सेम चीज जो हमने इस तरफ से की थी ना सुंदर साहब, जब इस तरफ भी होगी तो एक जुड़ाफा, एक मिनट मैं नीचे जाती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो हम लोग इधर से भी काउंट कर लेते हैं, हर हवेली शुरू होने से पहले एक यहाँ, दो यहाँ, तीन, चार, पांच, छह, हर हवेली, हाँ जी, और इधर के तो हमने कर लिया, अब इधर के भी कर लीजिए। एक, हर हवेली शुरू होने से पहले जैसे 8 times 9 आड़े जुड़ाफे आए थे ना, उसी प्रकार 72 जुड़ाफे हमारे खड़े हुए भी आ जाएंगे, क्योंकि स्क्वायर है ना, तो जितने आड़े उतने ही खड़े भी। मैं आपको एक बार यहां से दिखाती हूँ, ये देखिए, तो इस हवेली के शुरू होने से पहले इधर जुड़ाफा आया, यदि आप इधर से देखो, एक जुड़ाफा यहाँ, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर, एक बार काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 जुड़ाफे इधर भी, तो 8 की 9 हारे यानी 72 जुड़ाफे। तो ऊपर आप ये गिनती पढ़ सकते हैं, नोट करना चाहें तो बाद में वीडियो देखकर भी कर सकते हैं, यदि आप नोट करना चाहें तो 72 और 72 हुए 144 जुड़ाफा, और एक जुड़ाफे में 32 मेगा जुड़ाफा है, ये 32 मंदिर, तो 144 को जब आप 32 से गुना मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास 4608 यानी 4608 मंदिर। आपको याद है हमारे 6000 समथिंग तो पहले ही हो गए थे हवेलियों के ही, 4000 समथिंग हमें यहाँ पे मिल गए, तो अराउंड हमारे 11000 मंदिर हो चुके हैं, थोड़े से और बचे हैं, वो कौन से हैं? आपको याद है हमने कौन से मंदिर अभी काउंट नहीं की? सॉरी सुंदर साहब जी, गिनतियां देखकर शायद मुझे भी थोड़ी वो हो रही है आज। हाँ जी, तो अभी हम देखते हैं कि आप कौन से मंदिर रह गए। अब ये देखें, बाहरी दिशा के, आपको याद है ना बाहरी दिशा में कितना लंबा था एक चौक, 210 मंदिर का, उसमें से हम ये देखिए 210 मंदिर का चौक, उसमें से दो तो साइडों के गुर्ज हमने माइनस कर दिए, तो रह गए 208 मंदिर। अब आप उसमें से ये 8 बड़े दरवाजे माइनस कर दीजिए तो बचे 200 मंदिर। 200 मंदिर हुए एक दिशा के, तो एक दिशा में 200, तो सारी दिशाओं में कितने मंदिर हो गए सुंदर साहब जी? 200 200 200 और 200, यानी के 2 4 6 और 8, 200 plus 200 plus 200 plus 200, 4 times 200 यानी 800 मंदिर हमारे पास जो कम थे ना 12000 में। ये देखिए अब हम काउंट करेंगे इसको, तो ये हुए 17, यदि आप दरवाजों से काउंट करना चाहे पहले 17 मंदिर चले, फिर 24 24 24 24, इन सब को भी यदि आप ऐड करेंगे तो आपके पास 210 मंदिर आते हैं। उसके बाद आप दो गुर्ज के माइनस कर दीजिए, 8 बड़े दरवाजे माइनस कर दीजिए, तो आपके पास 200 मंदिर की जगह एक दिशा में बचती है, तो चारों दिशाओं में आपके पास 800 मंदिर आते हैं। अब ये हमने कुल मंदिर, ये देखिए ये लिख दिए, सबसे पहले हवेली की बाहरी हार और अंदर वाली हार के मंदिर, उसके बाद ये जुड़ाफे के मंदिर, और उसके बाद ये चारों दिशाओं के मंदिर। जब आप इस
नंबर को ऐड करेंगे तो ये देखिए हंसती हुई 12,000 रूहों के हंसते हुए आपको मंदिर दिखाई देंगे वहां पर। ये हुई विधि नंबर एक, यानी कि मेथड नंबर वन टू काउंट 12,000 मंदिर्स इन मिडल चौक। सारे चौकों में 12,000 मंदिर हैं, मध्य वाला चौक बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां कहाँ रंग प्रवाली आया है वो भी हम काउंट करेंगे। अब ये है सेकंड विधि। दूसरी विधि कैसे होती है, अब आप पहली वाली को भूल जाइए, दूसरी विधि हम सीखते हैं। तो एक बार क्विकली ये देखिए, वन मोर टाइम, स्टार्ट काउंटिंग फ्रॉम 1 to 12,000, बट एज ऑलवेज फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। तो बेसिक थिंग्स पे चलते हैं। दोपुड़ा इस प्रकार का दिखाई देता था जहां दो रास्ते हैं, और त्रिपुड़ा इस प्रकार का दिखाई देता है जहां तीन रास्ते हैं, और चौपुड़ा हमारा येलो कलर का जहां से चार रास्ते हैं। दोपुड़ा कितने आए थे, चार, त्रिपुड़ा 28 और यानी 28, और चौपुड़ा 49 यानी 49। अब ये देखिए एक चौपड़ा में उन्होंने क्या क्या काउंट कर लिया है। अब आप हवेली की बाहर वाली जो हार है ना मंदिरों की सुंदर साज जी, ये यदि हवेली है ना, मैं आपको बड़ा करके एक बार कोशिश करती हूँ दिखाने की। ये देखिए, ये हमने हवेली की थी ना पहली विधि में, महाराज जी ने ये दोनों हारें हवेली में ही काउंट कर ली थी, दो मंदिरों की हारे है ना। दूसरी विधि में उन्होंने थोड़ा शायद सुंदर साथ को ये इजी लगे, तो उन्होंने ये बाहर वाली हार है ना, जो ये वाली हार, ये यहां से लेके मंदिर और यहां तक, ये दोपुड़े से लगते हुए जितने भी मंदिर है ना, सारे उन्होंने दोपुड़े के मंदिर में काउंट कर लिए। हाउ, मैं आपको एक बार यहां से दिखाती हूँ। ये दोपुड़े के आसपास क्या क्या दिखाई दे रहा है आपको, एक सेट मंदिरों का ये दिखाई दे रहा है जो कि 16 है। एक हम इनको नहीं गिनेंगे क्योंकि ये वाले मंदिर ना त्रिपुड़ा से लगते हुए हैं, उनमें आएंगे। तो ये दोपुड़ा से लगते हुए ये 16 मंदिर, दोपुड़ा से लगते हुए ये 16 मंदिर, दोपुड़ा से ही छूते हुए ये देखिए, ये मंदिर हवेली के हैं पर हम उनको दोपुड़ा में काउंट कर रहे हैं। ये वाले, ये पूरे 15 मंदिर आपको याद है ना, खांचे के 15-15 मंदिर, ये दोपुड़ा से छू रहे हैं, दूसरी विधि है ये। तो ये 15 मंदिर हम दोपुड़ा में काउंट करेंगे, ये 16 और 16 करेंगे, और एक ये जो साइड में आपको याद है 17 मंदिर हम इधर चलते थे, 17 मंदिर हम इधर चलते थे, याद है आपको, तो वो वाले मंदिर हम दोपुड़ा में काउंट करेंगे। तो दोपुड़ा में 17 मंदिर में मैं आपको एक चीज जरूर समझाना चाहूंगी कि ये साइड में है ना, ये राउंड वाला ये गुर्ज है, तो ये काउंट नहीं होगा, ये गुर्ज में काउंट नहीं होगा। तो इस प्रकार हमारे पास इधर भी 16 बचेंगे और इस साइड में भी 16 ही बचेंगे, क्योंकि गुर्ज हम काउंट नहीं कर रहे। 16 और ये भी 16, ये भी 16, और ये मिला के हमारे पास बने 15 मंदिर, 15 का खांचा। आप इन सब को ऐड कर लीजिए तो आपको मिल जाते हैं 79 यानी 79 मंदिर। अब हम देखते हैं और क्लैरिटी से इसको देखते हैं। ये देखिए, ये मैं आपको सबसे पहले ना दोपुड़ा दिखाती हूँ, मैंने ना वो गलत कर दिया ऑर्डर। हाँ जी, ये देखिए, ये है दोपुड़ा के मंदिर। कौन कौन से मंदिर इसमें काउंट हुए, ये देखिए, हवेली की बाहरी हार के मंदिर का खांचा 15 मंदिर का, ये इधर के 16, इधर के 16 32, और ये कितने हुए, 16 इधर, क्योंकि हम ये नहीं काउंट करेंगे गुर्ज, और 16 इधर 32। तो 32 32 और 15 मंदिर मिलके बनते हैं 79 और कितने दोपड़े हैं हमारे पास टोटल, सुंदर साथ जी रिवाइज कीजिए, कितने दोपड़े हमारे पास आए हैं, 4 दोपड़े केवल कोनों में। तो 4 से उसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास 316 मंदिर आ जाएंगे। अब हम चलते हैं त्रिपुड़ा के मंदिर की तरफ। ये देखिए, अब त्रिपुड़ा में महाराज जी ने क्या क्या काउंट कर लिया है, ये देखें, ये है त्रिपुड़ा, त्रिपुड़ा यानी तीन रास्ते, ये देखिए। तो इसमें क्या क्या काउंट होता है, यही सेम हवेलियों के, अब इसके साथ दो हवेलियां लग रही है ना, तो 15 मंदिर इधर के, 15 मंदिर इस हवेली के, ये जुड़ाफे के भी तीन सेट इनको मिल गए क्योंकि तीन रास्ते जा रहे हैं, 16 का ये सेट, 16 का ये, और इधर आपको याद है हम 24 मंदिर चला करते थे, है ना। तो इसको मैं बड़ा करके आपको दिखाती हूँ, ये देखिए अति सुंदर सेवा, थैंक यू वेरी मच।
आशीष जी, और थैंक यू वेरी मच जिन सुंदर साथ ने इतने प्यारे प्यारे नक्शे हमें बनाकर दिए कि हम क्लैरिटी से एक एक चीज समझ पाएंगे। तो ये त्रिपुरा के मंदिर को जूम करके देखिए कैसे है ये सबसे पहले ये 15 हवेली के जो बाहर की मंदिरों की हार थी, एक यहां से मिले 15 और 15 30, और ये 16 16 और 16 हुए 48, 16 को 3 से 48 और 30 मिलाकर हुए 78 यानी के 78, और ये 24 उसमें जमा कर दीजिए, 78 और 24 हमारे पास बने 102 मंदिर, 79 फॉर दोपड़ा, 109 मंदिर हमारे, 102 मंदिर हमारे त्रिपुरा में आते हैं। और सुंदर सार जी, आप सब बोलेंगे मुख से त्रिपुरा कितने आए हैं हमारे पास चारों दिशाओं में, कितने त्रिपुरा आए हैं, 28 त्रिपुरा आए हैं। तो हम इनको 102 की गिनती को हम 28 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये देखिए 102 को हमने 28 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 2856 मंदिर बन गए। अब हम चलते हैं चौपड़ा की तरफ, ये देखिए चौपड़ा में भी सेम उन्होंने क्या किया, ये है हमारा चौपड़ा ये, तो इसमें चारों तरफ आपको हवेलियां मिलती हैं चारों तरफ, तो ये चार जुड़ाफे प्राप्त होंगे आपको यहाँ पे, तो 16 16 16 16 यानी 16 16 16 16 जुड़ाफा सेट, और ये 15 भी आपको दोनों तरफ चारों तरफ प्राप्त होंगे हवेलियों के, 15 15 15 और 15 यानी 15 ईच, तो ये हो गए 60, 16 16 16 16 यानी 64, और ये 15 15 15 15 यानी 60, 64 और 60, ये देखिए इसको जूम करके आप समझिए इसको, ये है हमारा चौपड़ा, ये 15 15 का खांचा प्राप्त हो रहा है हमें यहाँ पे, तो ये मिलकर बन जाएंगे 60 15 15 15 15, और ये हमें क्या प्राप्त हो रहे हैं जुड़ाफा के सेट्स यानी 16 16 16 एंड 16, 64 प्लस 60 64 प्लस 60 हुए हमारे पास 124 मंदिर। तो दोपुड़ा के 79 79, त्रिपुड़ा के 102 यानी 102, चौपड़ा के 124 मंदिर यानी के 124। चौपड़ा आए कितने हैं हमारे पास सुंदर साथ जी, 49 चौपड़ा यानी 49 चौपड़े आए हैं हमारे पास, तो 49 से उसको मल्टीप्लाई करें तो आपको 6000 मंदिर यहाँ भी मिल गए, अकेले चौपड़ा से लगते हुए 12 में से 6000 मंदिर तो हमारे चौपड़ा में ही लग रहे हैं केवल। तो आइए ये देखिए, तो 60 अब बचा क्या सुंदर साथ जी, ओवरऑल यदि आप देखें आपने सारे मंदिर काउंट कर लिए चौपड़ा में ही, यदि आप ध्यान से देखें ना ये साइड वाली रो भी पूरी कवर हो गई, क्योंकि हमने दोपड़ा में भी साइड के मंदिर भी ले लिए, ये भी ले लिए, और हवेलियों की पहली हार भी ले लिया आपने, बचा क्या फिर ये देखिए त्रिपुरा में आपने क्या क्या ले लिया, सारे जुड़ाफे ले लिए, दिशा के मंदिर भी ले लिए, हवेलियों के मंदिरों की पहली हार भी ले ली, चौपड़ा में क्या क्या किया आपने, सारे जुड़ाफे ले लिए और हवेलियों की बाहरी हार भी ले ली, क्योंकि दिशा में तो चौपड़े लगते ही नहीं है, तो हमारे बच्चे कौन से आप सोचिए जरा, कौन से मंदिर हमारे बच गए जो हमने नहीं लिए इसमें, केवल हवेलियों के मंदिरों की भीतरी हार हमारे पास बच गई जो किसी में नहीं आई अभी तक, है ना। ये देखिए ये बाहरी हार तो हमने कवर कर ली त्रिपुड़ों चौपड़ों और दोपड़ों में, ये बीच वाली हार हमारे पास केवल काउंट करनी बच गई इस विधि में, तो ये विधि कई बार सुंदर साथ को सिंपलर लगती है उससे, और बीच वाले तो आपको पता ही है, ये बीच वाली हार में कितने मंदिर आए थे सुंदर साथ जी, सब बोलकर बताएंगे, मुझे दिख रहा है यहाँ से थोड़ा, यहाँ पर 44 आने चाहिए थे पर एक दरवाजा आने से 43 मंदिर आए हैं यानी 43, और हवेलियां कितनी आई हैं 64 हवेलियां, 64 को आप 43 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हमारे पास 2752 मंदिर कौन से हवेलियों की अंदर वाली हार के जो 43 43 मंदिर हैं उनके, अब दोपुड़ा प्लस त्रिपुड़ा प्लस चौपड़ा ये देखिए ये सारे ऐड करेंगे 12000 मंदिर आपको इस विधि से भी प्राप्त होंगे। और सुंदर साथ जी यस,
वी ऑल अंडरस्टूड बोथ द वेज नाउ, दोनों विधियां हम सब सुंदर साथ को बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी, और यदि नहीं भी आई होंगी फिर से वीडियो देखेंगे या प्रबुद्ध सुंदर साथ जिनको आता है उनसे हम फिर से उनको समझेंगे एक बार, और फिर 12,000 याद रखिए बस जो हमें याद है, अंदर की गिनती तो याद रखने की कोई जरूरत ही नहीं है। और ये देखिए पन्ना जी जिस पर छपे हो, ये हम सब के लिए, हम सबको समझ में आई तो ये हम सब सुंदर साथ को आज अवार्ड मिलता है 12,000 मंदिर की वो काउंटिंग करने के लिए, और हम सबको एक मेंटल आत्मिक सेटिस्फेक्शन के लिए कि हाँ जी मैं नहीं कर पाती थी पर आज मैंने उन मंदिर की काउंटिंग को समझ भी लिया और मैं कर भी पाऊंगी, और फिर मैं छोटी गिनतियों को छोड़कर केवल 12,000 को अपने मन में बसाऊंगी, और मैं बहुत जल्द उस प्यारे रंग प्रवाली गुलाबी आभा लिए हुए उन मंदिरों की तरफ प्रस्थान करेंगे। तो मैं आपको ना एक बात मैंने और नोटिस की थी, मैंने सोचा पहले हम ये डिफिकल्ट पार्ट समझ लें, उसके बाद मैंने एक बात नोटिस की सुंदर साथ जी, क्यों हम 17 मंदिर चलते हैं, क्यों हम 24 मंदिर चलते हैं, ऐसा क्यों होता है? हमने याद तो कर लिया 17 चलने हैं 24 चलने हैं, बट वाई? तो ये देखिए आप ना यहाँ एक चीज को नोटिस कीजिएगा, यहाँ पे यदि आप डीपली इसको स्टडी करें तो यहाँ कोने में हमारा पड़ता है दोपुड़ा, तो दोपुड़े के बाद आपको यहाँ आप ना काउंट कीजिएगा कितने मंदिर, हम 17 क्यों चल रहे हैं यहाँ पे काउंट कीजिएगा एक बार। तो एक मंदिर तो हो गया ये वाला, ये मंदिरों की हार का एक मंदिर हम बाहर से पार करेंगे, आगे एक गली, ये एक गली हम पार करेंगे, तो दो मंदिर, तो एक मंदिर ये दो मंदिर ले लिए। उसके बाद आपको याद है, आई होप आप सबको याद होगा कितना लंबा है ये दोपुड़ा, 7x7 का है ना, 7x7 का हमारा दोपुड़ा। तो यहाँ पे हमने एक मंदिर पार किया, एक गली पार की, बाहर से मैं बात कर रही हूँ हम जब जा रहे हैं, एक मंदिर की जगह ये एक गली ने ली, उसके बाद 7 मंदिर का लंबा अंदर, दो आपको कभी याद नहीं करना पड़ेगा कि 17 मंदिर है, 7 मंदिर का अंदर दोपुड़ा आया हुआ है अंदर, मैं चल तो बाहर रही हूँ फुलवारी के पास, और उसके बाद ये कितना लंबा था सुंदर साथ जी, ये कितनी जगह है, जुड़ाफे के मंदिर सबको याद है, कितना सेट है ये 8 मंदिर का लंबा, जिसमें दो दो आने से 16 होते हैं, 8 मंदिर हमने ये पार करने हैं आगे जाके, तो ये जगह हमारे पास 8 मंदिर की, उसके बाद हमें दरवाजा प्राप्त हो जाता है। तो कितने मंदिर बने ये, 1, 2, 2 और 7, 9, 9 और 8, 17, इसलिए हम यहाँ पर 17 मंदिर पार करते हैं। वो याद नहीं रखना पड़ेगा यदि हमें अंदर की शोभा पहले से पता है ना, अंदर क्या क्या आया हुआ है, तो दैट्स व्हाई वी क्रॉस 17 मंदिर हियर। अब यहाँ 24 क्यों करते हैं, यहाँ पर 24 मंदिर आफ्टर ऑल क्यों पार करते हैं, ये देखिए इस दरवाजे के आगे की बात हम कर रहे हैं, ये जुड़ाफा आता है अंदर, जुड़ाफे का सेट वो कितना है 8 मंदिर का लंबा, ये कितना लंबा है, ये है हमारे पास 8x7 का, आपको याद होगा है ना, तो 8 ये इस तरफ से है और 7 ये इस तरफ से है, तो यहाँ 8 है, ये 8 का ये हो गया, और 8 का ये अगला जुड़ाफे का सेट, उसके बाद हमें अगला दरवाजा मिल जाएगा, कितने हो गए ये 8, 8 और 8, 24 मंदिर पार करते हैं, और इतने सारे त्रिपुड़ा आते रहते हैं, जब तक त्रिपुड़ा आते रहते हैं हम 24 पार करते रहते हैं, जैसे ही लास्ट दोपुड़ा आने लगता है, ये देखिए, तो मुझे बड़ा ये अमेजिंग लगा कल समझ के, जैसे ये दोपुड़ा आने वाला होता है फिर से हमें यहाँ 17 मंदिर प्राप्त होते हैं, फिर अगला चौक शुरू होता है, ये देखिए हम अगला चौक देखते हैं एक मिनट, ये देखिए ये 17 मंदिर, क्योंकि अगले चौक का भी दोपड़ा ही तो मिलेगा पहले, तो 17 इसके, दोपड़ा होने से 17 इसके, फिर 24 शुरू हो जाते हैं। तो हाउ इजी, बहुत इजी है यदि हम डीपली इस चीज को समझते हैं, तो कुछ भी मुश्किल नहीं है सुंदर साथ जी, एक एक अंश समझते जाइए, बहुत मेरा घर है, मेरा परम धाम, उसका एक एक गली, एक एक कोना मुझे पता होना चाहिए, तो हर गली में घूमेंगे, हर कोने में हम जाएंगे। अब सुंदर साथ जी मैं आपको क्विकली एक ये बताना चाहूंगी कि रंग पर वाली मंदिर कहाँ पर, सिचुएशन उनकी क्या आई है,
तो हमारे पास जो है वो 9 चौक हैं, है ना। ये देखिए ओवरऑल आप अब इसको देखिए, ये 9 चौक, इसकी एक-एक गली, एक-एक थंब, एक-एक जुड़ाफा, एक-एक गुर, जब हम सब सुंदर साथ को पता है बहुत अच्छे से, और काउंटिंग हमने समझ ली है, याद हमने रखनी नहीं है। जिन सुंदर साथ की यहाँ बुद्धि बहुत तेज है वो रख भी सकते हैं, पर हमारा ये देखिए रंगपर वाली मंदिर कैसे आया है। तो यहाँ हम फुलवारी में खड़े हैं, रंगपर वाली मंदिर सेंटर वाले चौक में आया है, यहाँ पर ये सेंटर वाले, यदि आप यहाँ से देखें ये बिल्कुल बीच वाले, हमने चौकों के नाम दिए थे 1 2 3 4 5, 5 नंबर के चौक में हमारे पास आया है रंगपर वाली मंदिर। मुझे ना ऐसे लगता था कि रंगपर वाली मंदिर एक हवेली में ही आया हुआ है। मेरा भी बहुत बड़ा, मैं भी आपके साथ साथ सुंदर साथ जी बिगिनर हूँ, सीख रही हूँ, तो ये मुझे बहुत पहले क्लियर नहीं हुआ ये कि ये जो हमारा रंगपर वाली मंदिर है ना वो हवेली में नहीं है। बिल्कुल आप इसको देखिएगा, अभी ये बीच का चौक है, ये बीच का चौक, आप सब सुंदर साथ को देखते ही पता लग गया होगा कि ये रंगपुर वाली मंदिर कहाँ आया हुआ है। ये देखिए ये हमारे त्रिपुड़े एक दूसरे से लगते हुए इस चौक का, इस ये हमारा चौपुड़ा, बिल्कुल बीच वाला चौपुड़ा, और उस चौपुड़े के अंदर ये रंगपुर वाली मंदिर शोभायमान है। और हम बिल्कुल सीधे यहाँ पर ये देखिए कैसे जाते हैं, यहाँ पर रास्ता मैं आपको बताती हूँ, दरवाजा, बड़ा दरवाजा कहाँ मिलता है, पर एक्चुअली उसकी लोकेशन है ना, यदि आप बिल्कुल मध्य में खड़े हैं, सीधे आप यदि यहीं पर खड़े हैं ना, तो ये देखिए आपको सीधे रास्ते में राजी ने एक भी हवेली नहीं बनाई यहाँ। यहाँ जुड़ाफे के मंदिर आते हैं रास्ते में, डेफिनेटली आते हैं, पर बिल्कुल मध्य में यहाँ पर सीध में ये बनाया हुआ है हमारा प्यारा रंग प्रवाली मंदिर। हम वहां जाते कैसे हैं सुंदर साथ जी, कई बार रास्ते में बहुत कंफ्यूजन रहती है, वो कंफ्यूजन अब बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। क्यों, ये देखिए हमने क्या किया था, ये पहला दरवाजा, दूसरा दरवाजा, इधर से काउंट कर रहे हैं तो आप दूसरी दिशा से भी काउंट कर सकते हैं, नो वरीज। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 दरवाजे इस चौक के, अब नेक्स्ट चौक पे आ जाए। इसके साथ ये भी समझिए, पहले 17 मंदिर, 24 24 24 24 24 24, और यहाँ 17 और 17 मिलके हो गए 34 मंदिर आप यहाँ चल रहे हैं। उसके बाद ये 9वां 10वां 11वां, अब ये दोनों दरवाजे बीच में है, 12वां और 13वां, 14 15 16, 3 हमने इधर से छोड़ दिए, 3 इधर से, तो परिक्रमा जिस प्रकार कर, ये तो है सीधा रास्ता सुंदर साहब जी, हम आड़े टेढ़े रास्तों से भी इस पर चलेंगे ताकि हम सब सुंदर साहब को याद हो जाए आंखें बंद करके कि अब मैं जुड़ाफे के मंदिर की साइड में से निकल रही हूँ, अब मेरे लेफ्ट में मुझे क्या नजर आ रहा है, अब मेरी उत्तर दिशा में मुझे क्या नजर आ रहा है, हम वो सब करेंगे ताकि ये रास्ता कभी मूल मिलावे की तरह रंग प्रवाली मंदिर का रास्ता हमें कभी ना भूले। तो ये सीधा रास्ता पहले हम देखते हैं, ये बहुत इजी है, ये देखिए ये हम इससे अंदर गए 12 नंबर के दरवाजे से, मैं यहाँ खड़ी थी एक्चुअली बिल्कुल मध्य में, तो मैंने किधर किधर गई, मैं सबसे पहले दक्षिण दिशा में 12 नंबर के दरवाजा मैंने लिया, हम सब ने, मैंने लेना होता मैं तो कोई, यहाँ मंदिरों की हार है सबसे पहले, आप याद रखिएगा इस दरवाजा, ये मंदिरों की हार यहाँ मिलेगी, वो भी हम नक्शा देखेंगे, तो मैंने जाना हो, मैं तो किसी भी मंदिर से अकेले तो हम जा ही सकते हैं, मिलावे के साथ हमने ये बड़ा दरवाजा लेने की ठानी, हमने राजजी महाराज के साथ जाना है, श्यामा महारानी के साथ जाना है, सखियों के साथ जाना है, तो ये बड़ा दरवाजा 12 नंबर लिया। किस तरफ मुख है सुंदर साथ जी, पश्चिम की तरफ हमारा मुख है। उसके बाद क्योंकि सामने हवेली है, ऐसा नहीं है कि आप हवेलियों में से जा नहीं सकते, यू कैन गो थ्रू हवेलीज एज वेल, पर हम अभी सीधा रास्ता ले रहे हैं जहां हमें बड़ा बड़ा मिलावे के साथ बड़ा स्थान मिले। तो हमने उसके बाद किधर मुख किया सुंदर साथ जी, उत्तर की तरफ मुख कर लिया यहाँ से, और उसके बाद पश्चिम, आपको याद होगा यहाँ त्रिपुड़े के आसपास हमें क्या मिलता है, यहाँ जुड़ाफे के मंदिर, और इधर भी त्रिपोलिया, इधर भी त्रिपोलिया, मैं आपको दिखाऊंगी अभी वो भी। तो हमने अभी रास्ता देखिया, उसके बाद हमने पश्चिम की तरफ मुख किया,
त्रिपोलिए में से होते होते हमने पूरा चौक यानी आठ हवेलियों की आठ हारें हमने पूरी पार कर ली। अब ये चौक है ना पांच, ये था कौन से नंबर का चौक, एक दो तीन चार नंबर पे हम लोग खड़े थे, हमने पांचवे में जाना था, ये पूरा चार हमने पार किया। अब पांचवे में जाने के लिए सेम थिंग, फिर आप यहाँ खड़े हैं, बड़ा दरवाजा या तो यहाँ मिलेगा 12 नंबर का या फिर यहाँ पर मिलेगा। तो हम पहले भी 12 से ही आए थे, अब भी 12 से ही चलते हैं। ये देखिए हमने दक्षिण की तरफ मुख किया, फिर पूर्व की तरफ हमें दरवाजा मिला, फिर उत्तर की तरफ मुख किया, फिर सीधा दर। जब चौक खत्म होता है ना तो थोड़ा इधर उधर हमने देखा, नहीं तो हम ये देखिए बिल्कुल सीधे गए। कितनी हवेलियां हमने पार की थी अभी, आठ की आठ आ रहे हैं ना, एक आसपास देखें तो एक दो तीन और चार, बिल्कुल चार पार करते ही हमें बीच का जो चौकड़ा मिला वहां हमारा प्यारा सुंदर रंग प्रवाली मंदिर के हमें वहां दर्शन होंगे। ठीक है, मैं आपको इसको एक और से दिखाती हूँ और फिर हम चलेंगे मधु दीदी की तरफ। हम आज की रिवीजन करेंगे सबसे पहले, जो जो हम उनके मुखारविंद से सुनेंगे। बस मैं आपको एक बार ये दिखाना चाहती हूँ कि यहाँ पर रस्ते में क्या क्या आ रहा था। ये देखिए इसकी लोकेशन क्या थी सुंदर साहब जी, हम अभी जो जा रहे थे ना, ये चौथा, एक दो तीन, हाँ जी एक दो उधर तीन नंबर होगा, ये चार और पांचवें चौक में जाना था ना हमने, यहां से हम चले थे, चौथा पूरा पार करना पड़ेगा और पांचवें के आधे में बिल्कुल बीच में हमें रंगप्रवाली मंदिर मिल जाएंगे। ये देखिए तो हाँ जी, ये देखिए ये इन्होंने दिखाया पांचवें नंबर का चौक, हम चौथे से भी चलने की पूरी पूरी वो देखते हैं एक बार, यदि पूरा रास्ता हमें कहीं मिल जाए। जब भी आप ये पार करेंगे ना सुंदर साहब जी त्रिपुरा, कोई भी निशान बना हुआ हो वहां रास्ते दिखाने के लिए निशान पर आपके उसी टाइम दिल में ये शोभा बसनी चाहिए कि त्रिपुरे में मैं खड़ी हूं यदि तो मेरे आसपास मुझे ये तीन जुड़ाफों के मंदिरों के सेट और ये दो थंबों की हार, तीन गलियां जुड़ाफे के हर मंदिरों की तरफ, यानी उसकी हर साइड में, इधर भी और इधर भी, दोनों साइडों में मुझे दिखाई दे रही हैं। तो मैं आपको एक बार बस वो दिखा के फिर हम मधु दीदी की तरफ चलेंगे। कोई बड़ा नक्शा, हाँ जी एक हमारे पास यहाँ है सुंदर साहब जी, वो मैं आपको दिखाती हूँ, बहुत ही प्यारा। इसको मैं एग्जैक्टली ना आपको कोशिश करती हूँ कि पूर्व से ही यदि चला जाए तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगी। हाँ जी अब ये हो गया, अब यहां से आप ना चलना शुरू कीजिएगा। ये देखिए बहुत ही प्यारा ये है और इसमें पता है आपको थंब गलियां सारी नजर आ रहे हैं। व्हाट अ ब्यूटीफुल, मतलब इतना प्यारा ये बनाया है कि इसमें आपको सब कुछ सुंदर साजी नजर आएगा। ये आप देखना, ये देखिए हम 12 नंबर के दरवाजे से अंदर जा रहे हैं। जब मैं दरवाजे के अंदर, जो धाम दरवाजे जैसा है, जब मैं अंदर जा रही हूँ आसपास क्या है, मंदिरों की हार है सबसे पहले। और राजी कहते हैं बीच वाली गली में चले जाओ, बीच वाली गली में इजी हो जाएगा, सारी सखियां इधर उधर भी चल पाएंगी। तो हमारा सारा मिलावा ये डेढ़ गली को पार कर, तीन गलियां है ना यहाँ पे, तो हम बिल्कुल बीच वाली गली में गए और उसके बाद हम पश्चिम की तरफ हमने मुख किया हुआ है। फिर हम इसी त्रिपोलिए में से हम जा रहे हैं, बीच वाली गली में हमने मुख किधर कर लिया, उत्तर की तरफ। उत्तर की तरफ मुख किया तो मुझे सामने क्या दिखाई दिया हमें, त्रिपुरे का चौक। त्रिपुरे के चौक में से मैं उसमें अंदर गई और हम सब ने वहां क्या देखा, थंबों की हारे लगी हुई हैं, नीचे गिलम बिछी हुई है, सिंहासन कुर्सियां भी चाहे तो लगी हैं, ऊपर चंद्रवा तना हुआ है, अति सुंदर शोभा। फिर हमने पश्चिम की तरफ मुख कर लिया, पश्चिम की तरफ मुख करके भी हम बीच वाली गली में से ही, त्रिपोलिए की बीच वाली गली में, आसपास ना भूलिएगा, आसपास मुझे उत्तर की तरफ जुड़ाफे के मंदिर और
दक्षिण की तरफ क्या दिखाई दे रहा है, हवेलियों के मंदिरों की बाहरी हार, जो कि 15-15 के खांचे हमने वो काउंट किए थे। तो उसके बाद आगे गए तो ये क्या मैंने क्रॉस किया सुंदर साहब जी, अभी अभी ये हवेलियों का जो मुख्य दरवाजा जो कि धाम दरवाजे की भांति ही चमक रहा है, उस पे नजर डालनी ना भूलिएगा जाते जाते, उसमें अपना अक्ष उस दर्पण में कि मैं कितनी प्यारी, मेरा मिलावा मेरे साथ कितना प्यारा लग रहा है। तो इस दर्पण में अपना अक्ष देखते हुए आगे चले, ये देखिए हम बीच की गली से ही आगे बढ़ रहे हैं सुंदर साहब जी। तो ये हमें आगे क्या प्राप्त होंगे, चौपड़ा मिलेंगे, चौपड़ा के चौक कितने प्यारे, चौपड़ा में भी हमें क्या क्या दिखाई दे रहा है। मैं यहाँ चौपड़ा में खड़ी हूँ, चारों तरफ नजर जरूर मारिएगा कि मुझे क्या क्या यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो आसपास की शोभा देखते हुए बाकी हम सुंदर साहब जी कल कवर करेंगे, क्योंकि ये शोभा मैं बहुत जल्दी जल्दी में ऐसे नहीं करना चाहती। हम बहुत प्यार से रंग प्रवाली मंदिर में जाएंगे और फिर हम मधु दीदी के मुख से भी आज सुनेंगे कि रंग प्रवाली मंदिर हमारा कितना सुंदर है। तो आइए अब हम चलते हैं मधु दीदी की तरफ, बहुत सुंदर प्यारी आवाज में उनकी उनसे रिवाइज करेंगे तो हमें और अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए सुंदर साहब जी, प्रणाम जी। हाँ जी मधु दीदी आप ले लीजिए, यदि कुछ समझाने में नहीं समझ आया हो सुंदर साहब जी तो और कोशिश करेंगे, और कोशिश करेंगे समझने की भी। हाँ जी मधु दीदी प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की जय। सभी सुंदर साथ जी को मेरा प्रेम भरा प्रणाम जी। हाँ जी सोनू, किसका जुड़ाफों का और मंदिरों का रिवीजन कराऊं ना, काउंटिंग में तो बहुत टाइम लगेगा अभी आज तो। फिर जी आप काउंटिंग नहीं कराइए, आप पूरी रंगप्रवाली मंदिर की शोभा भी बता दीजिए, मैं कल उसको रिवाइज कर दूंगी। जो जो आपको बताया था ना आप पूरा कर दीजिए। आप जुड़ाफे वाला लगा दो अभी फिर। हाँ जी ठीक है, जिसमें तीन वो इकट्ठे बने हुए ना जुड़ा, मैं हाँ इसी को, इसी वाले को सीधा करके लो। हाँ जी ये वाला, हाँ हाँ सीधा कर दीजिए बस। हाँ जी ठीक है। हाँ जी हाँ जी सुंदर साहब जी, हम बड़े प्यार से पिछले कुछ 2-4 दिनों से आपकी पांचवी भूमि की शोभा को समझ रहे हैं और सभी सुंदर साथ बहुत अच्छे से समझा रहे हैं, हमारी सोनिया जी, प्रियंका जी, याशी दीदी जी और भी बहुत सुंदर साथ। मेरे को बहुत अच्छा रिवाइज कराना तो नहीं आता, फिर कोशिश करूंगी। मेरे राजजी महाराज जो भी कराएंगे मेरे मुख से उसे स्वीकार कीजिएगा और मेरी गलतियां प्लीज मुझे करेक्ट कर दीजिए, कहीं भी मेरे से गलती हो जाए तो। तो सुंदर साहब जी हमने अब सीखनी है काउंटिंग, तो काउंटिंग हमने 12,000 मंदिरों की सीखनी है, तो सबसे पहले हम उसके लिए जुड़ाफे के मंदिरों को थोड़ा अच्छे से समझ लेते हैं और हवेली को अच्छे से समझ लेते हैं ताकि हमें इसको समझने में आगे दिक्कत ना आए। तो सबसे पहले तो यह है कि जुड़ाफा कहते किसको है। जुड़ाफा जो है वो मंदिर होते हैं जो आपस में एकदम जुड़े होते हैं। ये देखिए ये पिंक कलर के जो मंदिर है ये आपस में एकदम जुड़े हुए हैं, इनके बीच की जो दीवार है वो सांझी दीवार है, तो दाएं बाएं दोनों तरफ मंदिरों की हार चल रही है और बीच में एक दीवार है। हालांकि दरवाजे हमको हर जगह मिलेंगे इनके अंदर से आने जाने के लिए, लेकिन ये बिल्कुल एकदम एक के साथ एक लगकर आए हुए हैं। अब हम इसकी काउंटिंग को देखते हैं तो हमारे जो जुड़ाफे होते हैं ना, हमारे पास 9 चौक की 9 हारे आए हुए हैं, तो हर एक चौक से दूसरे चौक के बीच में एक जुड़ाफा आया हुआ है, तो इसका मतलब 9 चौकों में हमारे पास 8 जुड़ाफे हो गए। तो एक जुड़ाफा जो है हमारा वो 16 मंदिर का लंबा है, लेकिन क्योंकि वो जुड़े हुए हैं आपस में तो वो हमारे पास 32 मंदिर हो जाते हैं। अगर हम देखें तो 16 एक तरफ और 16 दूसरी तरफ और 32 मंदिर हमारे पास वो हो जाते हैं, लेकिन बीच में उसके एक दरवाजा भी आया हुआ है जो हम छोड़ देंगे, उसको काउंट नहीं करेंगे। बत्ते हमारे 8 त्रिपुड़े के साथ लग जाएंगे और 8 हमारे चौपड़े के साथ लग जाते हैं। इस तरह से ये हमारे इसके मंदिर आए हुए हैं जुड़ाफे की।
और सुंदर साहब जी एक बड़ी अच्छी बात हम मैंने नोटिस करी है कि जहां भी जुड़ाफा आया है उसके दाएं बाएं हमारी त्रिपोलिया जरूर मिलेगा हमें। हर जगह पे जहां भी जुड़ाफा आएगा वहां पे त्रिपोलिया भी होगा, और एक हवेली के भी चारों तरफ अगर हम नजर मारते हैं तो हमें जुड़ाफे के मंदिर नजर आते हैं। जिधर भी हम हवेली में खड़े हैं और चारों तरफ देखते हैं तो हमें जुड़ाफे के मंदिर नजर आ रहे हैं। अब जुड़ाफे के मंदिर जो है अगर त्रिपुरा में है तो हमें तीन तीन रास्तों में जाते हुए नजर आते हैं, तीनों तरफ 16 इधर 16 इधर और 16 इधर। तो इसको अगर हम समझ लेंगे तो हमें आगे काउंटिंग करने में बहुत इजी हो जाएगा। अगर हम दोपुड़ा में खड़े हैं तो हमें दो तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं, ये देखिए दो रास्ते नजर आ रहे हैं। और चौपुड़ा में है अगर हम चौपुड़ा की देख कोई है सर, हाँ जी, अगर चौपुड़ा में हम खड़े हैं तो देखिए चारों तरफ हमें जुड़ाफे के मंदिर जाते हुए नजर आ रहे हैं। तो इस तरह से अगर हम अपनी इस हवेली में खड़े हैं, इस चौक में खड़े हैं तो हमें हर तरफ देखते तो जुड़ाफे के मंदिर हर चौक के साथ लगते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये तो है जुड़ाफों की शोभा। अब हम समझते हैं हवेली की एक शोभा को जो हमने कल समझी थी, एक बार दोबारा उसको रिवाइज कर लेते हैं। जब हम हवेली में एंटर करते हैं तो सबसे पहले हमें बाहर एक मंदिरों की हार नजर आती है। हवेली में जब हम जाते हैं बाहर के दरवाजे से, बाहर जो हमारे 8 दरवाजे आए हैं एक चौक में जाने के लिए, तो किसी भी दरवाजे से जब हम जाते हैं हवेली के अंदर तो सबसे पहले हमें हवेली के चारों तरफ एक मंदिरों की हार नजर आएगी, और वो मंदिर है हमारे 64 मंदिर, ऊपर वाला लेना, हाँ ये 64 मंदिर आए हैं हमारे हवेली को घेर के। पर सुंदर साहब जी क्योंकि 4 मुख्य द्वार हम निकाल देते हैं तो उसकी जगह अब हमारे पास रह जाते हैं 60 मंदिर। अब इन मंदिरों से जब हम अंदर जाते हैं मुख्य दरवाजे से तो हमें एक अलग चीज मिलती है, क्योंकि नॉर्मली हमें हवेली में एक थंबों की हार 2 गलियां मिलती हैं, लेकिन यहाँ पर थंबों की हार और गलियां नहीं आई है, सिर्फ एक गली आई है बस। और उस गली को जब हम क्रॉस करते हैं तो फिर से हम अपनी हवेली में पहुंचते हैं, तो उसमें हमें एक 44 मंदिर की एक हार अंदर मिलती है। ये 44 मंदिर तो है लेकिन इसमें हर दिशा में दरवाजा नहीं आया है, इसमें सिर्फ एक ही दिशा में दरवाजा आया है, तो उसमें ये रह जाते हैं हमारे 43 मंदिर, 43 मंदिर रह जाते हैं। और इसकी एक और शोभा है कि इसके चारों कॉर्नर्स पे गुर्ज आए हैं। गुर्ज जो है ये जो ब्लू कलर के हैं गुर्ज, इनको हम काउंट नहीं करते हैं मंदिरों में, और ये गुर्ज जो है हवेली की जमीन से 3 स्टेप ऊपर आए हैं, यानी कि कमरभर ऊंचे आए हैं, तो इन पे चढ़ने के लिए हमें 3 सीढ़ी चढ़कर जाना पड़ेगा, जो हमें हर गुर्ज के बाद 2-2 सीढ़ियां मिल जाएंगी ऊपर जाने के लिए। तो इस तरह से चारों गुर्जों में जाने के लिए हमारे पास 8 सीढ़ियों की शोभा आएगी। अब सुंदर साहब जी और अंदर हम जब जाते हैं तो हमें अपना कमर भर ऊंचा चबूतरा मिलता है। जैसा कि हम हर हवेली में देखते हैं हमारा ये कमर भर ऊंचा चबूतरा कितना सुंदर शोभायमान रहता है, किनारे पर थम और उसमें कठेड़ा और सारा गिलम बिछी हुई है, सुंदर सिंहासन कुर्सियां, ऊपर सुंदर चंद्रमा की शोभा, चारों दिशाओं में 3-3 सीढ़ियां। तो जो शोभा हम अब तक हर हवेली की देखते आए हैं हर हवेली के चबूतरे पर, सेम वही शोभा हमें यहाँ भी मिलेगी। तो ये हो गई हमारी हवेली की शोभा और इसकी जुड़ाफों की शोभा। इसकी गिनती को हम अच्छे से देख लेंगे तो हमें पूरी 12,000 की शोभा का समझ आना आसानी से आ जाएगा। अब सुंदर साहब जी हमने कल करनी है रंगपर वाली मंदिर की शोभा, तो हम थोड़ा सा उसको आज हल्का सा देख लेते हैं ताकि कल हमें बहुत जल्दी से करानी है ना सोनिया रंगपर वाली मंदिर की, है ना जी, रंगपर वाली मंदिर की शोभा देखते हैं। सुंदर साहब जी हमारे जो रंगपर वाली मंदिर है वो हमारे जैसा कि सोनिया ने काउंटिंग करके हमें बताए हुए चौक, तो 5वें चौक में आई है। 9 चौक है हमारे पास, सबसे मध्य वाला जो चौक है 5वां चौक उसके अंदर आई हुई है, और उसके भी सबसे मध्य के चौपड़े में आई है। हमारे पास 9 की 9 हारे आती हैं, तो 4 चौक ऊपर रह जाते हैं, चारों दिशाओं में चौक आ जाएंगे, और बीच में चौपड़े में हमारी रंगपर वाली मंदिर की शोभा आई है। ये परवाल रंग का बना हुआ है रंगपर वाली मंदिर, बहुत ही सुंदर लालिमा लिए हुए, गुलाबी आभा लिए हुए, 2 मंदिर का लंबा और 2 मंदिर का चौड़ी हमारी रंगपर वाली मंदिर आई है। रंगपर वाली मंदिर की अगर हम शोभा को देखते हैं तो इसकी चारों दिशाओं में द्वार बने हुए हैं,
और पहले तो एक बहुत सुंदर मेहराब आई है जो दो मंदिर की चौड़ी है और एक मंदिर ऊंची मेहराब आई है, और उस पर जैसा कि सुंदर साहब जी हमारे माणिक के फूल हर मेहराब के ऊपर आते हैं, यहाँ पे भी सुंदर माणिक के फूल तीनों तरफ आए हुए, एक ऊपर और दो दाएं बाएं, और इस मेहराब के नीचे बड़ा द्वार आया हुआ है। वो द्वार बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारा धाम दरवाजे का द्वार है, बहुत सुंदर द्वार है, उसकी लाल चौखट है और उस चौखट पर हरे रंग की पूरी चित्रकारी करी हुई है, और दर्पण जो है किवाड़ यहाँ भी दर्पण रंग के ही है, उस पर भी बहुत ही सुंदर चित्रामन हुए हुए हैं, सुंदर सुंदर कुंडे लगे हुए हैं, सांखल लगी हुई है, तो इस तरह से शोभा जो दरवाजे की है बहुत ही सुंदर है, और चारों दिशाओं में ये विशाल बड़े दरवाजे आए हुए हैं। और इस रंगपर वाली मंदिर को घेर कर हमारी तीन परिक्रमाएं हुई है, देखिए सुंदर आचार्य जी हमें थंबों की हार नजर आ रही है, इस तरह से इसको घेर कर तीन परिक्रमाएं हुई है। इसमें नॉर्मली हम एक ही दो एक थंबों की हार या दो थंबों की हार देखते हैं, लेकिन यहाँ पर तीन हमारे को परिक्रमा मिलेंगी। और इस रंगपर वाली मंदिर में हमारी सुंदर सेज्या राजी महाराज की बिछी हुई है, जहां पर वो विश्राम करते हैं, रात को शयन की लीला होती है, और इसमें जो सेज्या है वो भी बहुत ही सुंदर है, उसमें चार पाए ऊपर डांडे ऊपर चंद्रमा की सुंदर शोभा आई हुई है, और इसकी जो निवार पलंग में जो निवार बनी हुई है वो पांच रंग से बनी हुई है, और उस पर भी सुंदर चित्रामन बने हुए हैं। ये देखिए सुंदर साहब जी ऊपर भी पूरा चंद्रमा है, चंद्रमा के ऊपर भी कलश ध्वजा पताका की सुंदर शोभा आई हुई है, गुमजियां बनी हुई है छोटी छोटी सी किनारों पर स्तंभों के ऊपर, और जो हम लोग अपने घर में इतने सुंदर सुंदर बेडशीट्स और सब कुछ करते हैं, तो राजी महाराज जी का बिस्तर तो आप सोचिए कितना सुंदर होगा, आप जितना सुंदर इमेजिन कर सकते हैं सुंदर साहब जी कीजिए, उसमें एक मखमली गद्दा बिछा हुआ है, सॉफ्ट सी चादर है, दक्षिण दिशा में राजी महाराज जी का शीश कमल होता है तो इसलिए तकिया दक्षिण दिशा में है, और उसमें भी गाल मसूरे वगैरह रखे हुए हैं, उत्तर दिशा में जिधर राज जी के चरण आते हैं वहां ओढ़ने की चादर रजाई जो भी मौसम के हिसाब से जैसा भी होता है वो सब रखा होता है। इसके अलावा जो भी सामग्री आभूषण वस्त्र बर्तन खाने पीने का सामान वो सब हमें रंगपर वाली मंदिर में मिलेगा, जितना भी सामान है वो सभी हमें रंगपर वाले मंदिर में उसकी शोभा मिलेगी। तो इस तरह सुंदर साहब जी मैंने थोड़ा ब्रीफली से ही समझाया है, बाकी कल सोनू जी अच्छे से समझाएंगी सारा टाइम के हिसाब से, तो और देख लीजिए कोई गलती हो तो ठीक कर दीजिएगा। बहुत सुंदर मधु दीदी, आप ये मत कहिए बल्कि हमारी गलतियां आपने ठीक करनी है। तो मेरे को थोड़ी सी बोलने की झिझक है बस और कुछ नहीं। बहुत प्यारा राज्य की मेहर, बहुत मेहर बरसती है आप पे, बहुत सुंदर आपने कराया और मुझे बहुत खुशी हुई कि आपने रंगपर वाली मंदिर के दर्शन कराए, और अब मैं उनकी रिवीजन कल करवाऊंगी, कितने हर्ष का विषय है। आपने पहना भी आज रेड कलर हुआ और आप गए भी रेड कलर के मंदिर में हो, अति सुंदर। तो बहुत सुंदर रिवीजन सब सुंदर साथ की, आइए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। छोटा सा जयकारा बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय। और अब हम चलेंगे श्री मुखवाणी की प्यारी सी चौपाई की तरफ, जो हमारे ही पिया के मुख से निकली वाणी। प्रणाम जी। हाँ जी मीनू दीदी। प्रणाम जी सुंदर साहब जी। प्रणाम जी। हाँ जी, जब तक मीनू दीदी निकाल रहे हैं ना सुंदर साहब जी, मैं आपको ये चौपाई हम करते हैं, एक आपको आप चौपाई कीजिए, मैं आपको कुछ बताती भी हूँ उसके बाद। हाँ जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हमारे साथ आज आशीष है, आज ये चौपाई ये पढ़ेंगे और उसको अच्छे से समझाएंगे। राजी महाराज का दिल में अभी भाव आया कि आशीष मुझे अभी नजर आए एकदम से, तो दिल हुआ कि आज चौपाई ये पढ़ेंगे। आशीष आप आ जाओ। राज जी का हुक्म है, मुझे आप दिखे थे
सुनो, आ रहे आशीष? हाँ जी, आवाज आ रही है? प्रणाम जी। हाँ जी, आ रही है। हाँ, मैं नाश्ता कर रहा था, थोड़ा लेट हो गया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मुझे दिख गए। आप मिनट दीदी, आप अच्छा बोलते हो। अरे मुझे दिखे, आप राजी ने कहा है, आपने बोलना है। हाँ, वो गलती से आईपैड आत्मन का लेके बाथरूम गया तो दिख गया। बस तो राजी ने दिखा दिया ना। हाँ जी, सुंदर साथ जी, आज की चौपाई हमारी रहनी से है। ये किताब हम सब ने बहुत अच्छे से इसका मंथन किया हुआ है, तो जो लिखा है मैं वही पढ़ देता हूँ। वाणी मंथन चितवनी और रहनी का कोई विकल्प नहीं है, और जलता हुआ दीपक ही एक दूसरे ना जले हुए दीपक को जला सकता है। जब हम स्वयं रहनी की कसौटी पर खड़े उतरेंगे, तभी हमारे वचनों का दूसरों पर प्रभाव पड़ेगा। किंतु हमारी रहनी तभी साफ सुथरी मानी जाएगी जब हमारे दिल में एक धाम धनी के अतिरिक्त इस माया की कोई भी चीज ना बसी हो। सोई मोमिन जानियो जो उड़ावे चौदे तबक, एक अर्श के साहिब बिना और करे सब तरक। सिंगार प्रकरण एक चौपाई 30। श्री मुखवानी कुलजम स्वरूप द्वारा धाम धनी अपने निज स्वरूप तथा अखंड परम धाम की पहचान हो जाने के बाद भी यदि हम रात्रि यानी अज्ञानता में भटकने की तरह केवल कहते ही रहे तो इससे कुछ भी लाभ नहीं होगा। कहनी सुननी गई रात में आया रहनी का दिन। तो इन शॉर्ट, ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए बोलूंगा कि इसमें रहने की महत्ता के बारे में बताया गया है। इस पूरे शॉर्ट जो इस सारांश में बताया गया हमारी रहनी के इस पर्टिकुलर पैराग्राफ में, कि हम जब तक अपना दीपक खुद नहीं जलाएंगे, अंतर मन में हमारा खुद का दीपक ही नहीं जला होगा तो हम दूसरे को क्या जलाएंगे। तो पहले हमें अपने अंतर मन में स्वयं अपने अंदर उस कसौटी को बार बार स्वयं को परखना है, सोने की तरह तपना है और कुंदन बनना है, तभी हम कुछ कहेंगे और दूसरा सुनेगा। वरना हम कुछ भी कहते रहे, हमारी कहनी का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा जब तक कि दूसरे को हमारी रहनी में वो सब दिखने ना लग जाए। और ये सब तब हो पाएगा जब हमारी रहनी साफ सुथरी होगी, यानी हमारे अंदर माया का कोई विकार ना हो। शरीर और संसार, इन दोनों के अतिरिक्त जब हमारे अंदर सिर्फ और सिर्फ प्रायोरिटी नंबर वन श्री राजी और सुंदर साथ परम धाम, यही सब हो जाए, यानी 24 घंटों में जब हमारा सारा ध्यान या तो परम धाम की तरफ या सुंदर साथ से वाणी चर्चा सतगुरु के बताए हुए वचनों की तरफ या फिर चितवनी में इन इन और रहनी में, इन सबके अलावा और सेवा में, प्रेम सेवा, इन सबके अलावा भी यदि हमारा ध्यान कहीं और जा रहा है, संसार में घूम रहा है, विकारों की तरफ जा रहा है, तो अभी हमारी रहनी उतनी साफ सुथरी नहीं हुई है। हम अभी कहनी के धरातल पर तो आ गए हैं, करनी के धरातल की ओर बढ़ भी रहे हैं, पर रहनी जो है वही जो है हमें इस परम धाम पहुंचाएगी। बाकी कहनी सुननी जो है वो अंधकार ही माना जाएगा, प्रकाश नहीं माना जाएगा। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी आशीष, थैंक यू। प्रणाम जी, हाँ जी, सुनो, जयकारा लगाओ, बोलो। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की जय। बिन रहनी के ना मिलते धाम धनी, एक भजन है बहुत प्यारा, यही इस चौपाई का सारांश कि हमें रहनी पे आना है। सब सुंदर साथ को, मुझको सबसे पहले आना है कि मुझे अपने दिल में वो दीपक जलाना है, पिया के प्रेम का दीपक, जिससे मैं सिर्फ प्रेम में डूबी रहूं और रंग परवाली मंदिर में पिया के साथ सदा सदा के लिए वहीं रहूं। प्रणाम जी, सब सुंदर साथ के चरणों में प्रणाम जी। हाँ जी, प्रणाम जी, बहुत सुंदर आपने उसका भावार्थ किया मीनू दीदी, बहुत सुंदर। तो सुंदर साहब जी, बहुत इम्पोर्टेंट दो अनाउंसमेंट्स हैं जो कि, हाँ जी, एक तो ये कि
दिवाली के वीक में लास्ट टू डेज यानी थर्सडे फ्राइडे की प्लानिंग चल रही है कि तब क्या होगा। मीनू दीदी बहुत जल्द उसको अनाउंस करेंगे कि उस दिन क्या कर रहे हैं। मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे नेक्स्ट चल रही है, नॉर्मल क्लास होगी जैसे चल रही है। तो एक और चीज, इस बार धामधनी की इतनी मेहर हुई, आपको बताऊं कि एक क्विज अनु जी ने बनाकर भेजा और दूसरा क्विज रात को ही मैं सो रही थी तो 2 बजे रात के आशु जी ने भेजा, आरती जी की सेवा, इतना सुंदर 2 क्विज एक ही टाइम पे प्राप्त हुए। तो मुझे लगा कि वो डला है तो सुंदर साथ पहले उसको अटेम्प्ट करे। आई होप कि सुंदर साथ ने वो अटेम्प्ट कर लिया होगा। तो वो और शायद धामधनी का हुक्म था ये कि पहले आप वो सारे गुर्जों के इस पल्ले से, कभी उस पल्ले से, कभी तीसरी भूम में, कभी दूसरी भूम में, कभी पहली भूम में, जब सारी सीढ़ियां, जैसे कि 100 सीढ़ियां हम चढ़कर जाते हैं, तो सारी सीढ़ियां पहले आप चढ़ उतर लें और उसके बाद आप मूल मिलावा में जाकर राज जी के चरणों में विश्राम पाएं। तो मुझे भी नहीं पता था, अनु जी ने जो क्विज बनाया है वो श्री मूल मिलावा की ही शोभा से रिलेटेड था। तो आज आपको दूसरा क्विज भी मिल जाएगा श्री मूल मिलावा की शोभा। पहले आप पहला क्विज अटेम्प्ट कीजिए सुंदर साथ जी, फिर मूल मिलावा की शोभा में आप डूबिए। अधिक से अधिक प्रश्न हमें मिले, अधिक से अधिक हम सब सुंदर साथ उनको अटेम्प्ट करें और अधिक से अधिक इससे रिवीजन होगी और शोभा मन में ऐसे बस जाएगी कि यदि सोते हुए भी हमें कोई उठाए ना तो हमें पता होगा कि नहीं, मैं यहाँ खड़ी हूँ इस टाइम और मुझे इधर की तरफ मुड़ना है। तो आप सब सुंदर साथ के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी, आपके धैर्य के लिए, आपके पेशेंस के लिए, आपके श्रवण करने की जो सेवा है वही सब सुंदर साथ को और अधिक सेवाओं के लिए प्रेरित करती है। तो आप सब सुंदर साथ के चरणों में प्रेम प्रणाम जी। हाँ जी सरोज आंटी, प्रणाम जी।